हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, पिछले महीने अगस्त फर्स्ट वीक में वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन कुमार मंगलम ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा और उस लेटर में ये कहा कि अगर गवर्नमेंट ने वोडाफोन आइडिया को हेल्प नहीं किया तो कंपनी बंद हो सकती है। उन्होंने एग्जैक्टली अपने लेटर में क्या लिखा था वो मैं आपसे बताता हूँ। उन्होंने लिखा था कि विदाउट इमीडिएट एंड एक्टिव गवर्नमेंट सपोर्ट वोडाफोन आइडियाज ऑपरेशंस वुड बी एट एन इररिवर्सिबल पॉइंट ऑफ कोलैप्स। यानी कि अगर गवर्नमेंट ने एक्टिवली और इमीडिएटली वोडाफोन आइडिया को सपोर्ट नहीं किया तो कंपनी कोलैप्स हो सकती है। बस फिर क्या था, वोडाफोन आइडिया का स्टॉक लगातार गिरने लगा और गिर के वो 6 रुपीज तक पहुंच गया। और साथ में जिन बैंक्स ने वोडाफोन आइडिया को लोन दिया था उनके शेयर्स भी जबरदस्त तरीके से गिरने लगे। और जिन बैंकों ने वोडाफोन आइडिया को लोन दिया था उनके कुछ नाम मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहला है IDFC फर्स्ट बैंक, उन्होंने करीब 3200 करोड़ का लोन दिया था। इसके बाद आता है यस बैंक, इन्होंने करीब 4000 करोड़ का लोन दिया था। और आप जानते हैं यस बैंक जो है चुन चुन के ऐसी कंपनीज को लोन देता है। इसके बाद SBI ने करीब 11000 करोड़ का लोन दिया था, PNB ने करीब 3000 करोड़ का लोन दिया था। और जो लीडिंग प्राइवेट बैंक्स हैं एक्सिस, ICICI, HDFC, इन्होंने भी करीब 1000 से 2000 करोड़ का लोन VI को दिया था। ये जो बैंकों का पैसा ये कॉरपोरेट्स डुबाते हैं, दरअसल ये आपका ही पैसा होता है। और मजे की बात क्या है कि इतना लॉस करते हैं, इतना पैसा डुबाते हैं, फिर भी इनको रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में और मोस्ट पावरफुल लोगों की लिस्ट में रखा जाता है। अरे भाई मुझे भी बैंक वालों लोन दे दो, इससे ज्यादा लॉस करके दिखाऊंगा और हो सकता है मेरा नाम भी उस लिस्ट में आ जाए। तो हमारे देश में ही ऐसा होता है जहां पर लोग पैसा डुबाकर भी अमीर बनते हैं। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, माफ करना मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूं। तो जब ये सब न्यूज चल रही थी तो एक ऐसा बाजार में माहौल बन गया था कि शायद VI अब बंद हो जाएगी। और साथ में उन बैंकों का भी जिन्होंने इस कंपनी को लोन दिया था उनके भी तरह तरीके की न्यूज फ्लो मार्केट में आ रही थी और एक पैनिक का माहौल सा बन गया था। लेकिन बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चल रहा था और VI के प्रमोटर्स गवर्नमेंट के साथ टच में थे और डिस्कशंस में थे। और इसका जो एंड रिजल्ट ये निकला कि गवर्नमेंट ने फाइनली एक्ट किया और उन्होंने एक टेलीकॉम के लिए सेक्टर के लिए एक बड़ा पैकेज अनाउंस किया। तो इस पैकेज की क्या खास बातें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहला पॉइंट ये है कि 4 ईयर मॉरेटोरियम ऑन AGR ड्यूज। अब ये AGR ड्यूज क्या होती है कि जो ये टेलीकॉम कंपनीज है वो जो गवर्नमेंट से दिया हुआ स्पेक्ट्रम यूज करती हैं उसके बदले में उन्हें अपने एक प्रॉफिट का परसेंटेज गवर्नमेंट को देना पड़ता है और वो एक सब्सटेंशियल फीस होती है। तो इस पैकेज के हिसाब से अगर कंपनीज चाहें तो वो AGR ड्यूज साल दर साल गवर्नमेंट को चाहें तो ना दें, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट बनेगा वो उन्हें पे करना पड़ेगा। और वो जो इंटरेस्ट होगा वो MCLR यानी कि जो मिनिमम रेट होता है जिस पर बैंक लोन देता है उससे 2% ज्यादा का होगा, लेकिन वो डेफिनेटली आपके लोन अमाउंट से कम होगा। तो इस लोन इसका इंटरेस्ट सिर्फ उन्हें साल दर साल देना पड़ेगा। और अगर वो 4 साल तक ना भी दें तो कोई बात नहीं, उनके वो सारे जितने भी ड्यूज हैं वो एक्यूमुलेट होते जाएंगे और 4 साल के बाद जब मॉरेटोरियम खत्म होगा तो गवर्नमेंट उस कंपनी को कैसे बचाएगी? वो ऐसे बचाएगी कि जितना भी उनका लोन होगा उस लोन के बदले गवर्नमेंट उससे इक्विटी ले लेगी, यानी इक्विटी फॉर लोन। तो गवर्नमेंट का ड्यूज जितना होगा उसके बदले में वो उस कंपनी का स्टेक ले लेगी और एक तरीके से उस कंपनी की ओनर बन जाएगी। तो ये AGR अभी उनका ड्यूज जो पेंडिंग है जो उन्हें अभी पे करना है वो कितना बड़ा है वो मैं आपको बताता हूं। तो VI का अगर आप देखें तो वो करीब 58,000 करोड़ का ड्यू उनका पेंडिंग है AGR का, और एयरटेल का भी लगभग करीब 44,000 करोड़ का है। जियो का ड्यूज ज्यादा नहीं है क्योंकि जियो जो है वो आरकॉम का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करता है, तो वो कहता है जी हमने तो स्पेक्ट्रम लिया नहीं, आप आरकॉम से मांगिए। और आरकॉम कहता है कि भाई हमारे तो पैसे नहीं है, हम तो लॉस में चल रहे हैं, हमारा तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, तो फिर हम आपको कहां से देंगे।
तो इस तरीके से जियो की जो AGR की लायबिलिटी है या ड्यूज है वो काफी कम है, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर, लेकिन एयरटेल और VI का सिग्निफिकेंट AGR ड्यू बनता है। दूसरा जो इस पैकेज की खास बात यह है कि जो उन्होंने FDI इन्वेस्टमेंट का, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का रास्ता खोल दिया है। पहले के हिसाब से जो था कि ये इसमें 49% की एक लिमिट थी या कैप था, क्योंकि ये एक तरीके से नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, तो गवर्नमेंट का ये व्यू था कि हम इसे किसी फॉरेन कंपनी को 100% ओनरशिप नहीं देंगे, लेकिन अब वो चेंज हो गया है, नाउ दे हैव अलाउड 100% FDI इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट FDI इन्वेस्टमेंट इन टेलीकॉम सेक्टर। लेकिन यहां पर एक क्लॉज भी रखा गया है कि सिलेक्ट लिस्ट ऑफ कंट्री की ही कंपनीज इसके स्टेक खरीद सकती। तीसरा जो इस पैकेज का पॉइंट है वो ये है कि जो बैंक गारंटी देनी पड़ती थी टेलीकॉम कंपनीज को स्पेक्ट्रम लेते वक्त, उस बैंक गारंटी का अमाउंट काफी कम कर दिया गया है, 80% तक रिड्यूस कर दिया गया है। तो इससे भी एक फायदा होगा उनको कि उनके कैश इन हैंड जो है ज्यादा बचेगा। चौथा पॉइंट ये है कि अब वो जो फ्रेश स्पेक्ट्रम अगर फ्यूचर में खरीदेंगे तो उसके लिए उन्हें फ्रेश बैंक गारंटी नहीं देनी पड़ेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाले टाइम पर 5G के ऑप्शंस होंगे तो उसके लिए उन्हें बहुत सारा पैसा लगेगा, तो उनको बैंक गारंटी अब नहीं देनी पड़ेगी। और पांचवा जो पॉइंट वो ये है कि पहले जो वो स्पेक्ट्रम खरीदते थे तो उसकी जो लाइफ स्पैन होती थी उसका कॉन्ट्रैक्ट करीब 20 ईयर्स का होता था, जिसे बढ़ाकर अब 30 ईयर्स कर दिया गया है। तो इन सब पॉइंट का जो पर्पस ये है कि टेलीकॉम कंपनीज के हाथ में ज्यादा से ज्यादा कैश रहे ताकि वो अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर सके, अपना एक्सपेंशन कर सके और गली गली कूचे कूचे तक अपने नेटवर्क को बढ़ा सके। तो यहां पर कुछ प्रश्न उठते हैं कि क्या इस पैकेज से टेलीकॉम सेक्टर की कंपनीज को फायदा होगा। तो जी हाँ, डेफिनेटली फायदा होगा और ये ऑलरेडी टेलीकॉम कंपनीज के स्टॉक प्राइस में दिखने लगा है। और इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा वो है एयरटेल, क्योंकि अब उसे अपने एक्सपेंशन करने के लिए उसके हाथ में ज्यादा पैसे होंगे। अगर आप प्योर टेलीकॉम कंपनीज की बात करें तो इंडिया में दो ही कंपनी है, VI और एयरटेल, और इंस्टीट्यूशंस का जो फेवरेट है वो है एयरटेल। और इसका प्रूफ ये है कि पिछले 3 सालों में एयरटेल ने इंस्टीट्यूशन से 1,00,000 करोड़ रुपीज का कैपिटल रेस किया है एज डेट एंड एज इक्विटी। और आप अगले महीने यानी कि October 1st में एयरटेल का एक राइट्स इशू भी आ रहा है करीब 21,000 करोड़ का। तो इसमें जो है अगर इंस्टीट्यूशंस की हम बात करें तो उनका टेलीकॉम में फेवरेट पिक एयरटेल ही बनता है। और ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि इस पॉलिसी चेंज की वजह से काफी पैसा एयरटेल के पास आएगा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, जिससे उसके स्टॉक प्राइसेस को भी फायदा मिलेगा। अब आइए थोड़ा VI की बात करते हैं कि इस पैकेज से क्या VI को फायदा होगा, क्या वो बच पाएगी। तो जी हां, VI को भी फायदा होगा और एक अनुमान के हिसाब से उनके जो बैलेंस शीट में करीब 65,000 करोड़ का कैश उनके हाथ में आएगा, जिसे वो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए यूज कर सकती है। लेकिन क्या वो लॉन्ग टर्म में बच पाएगी और उसका ओनरशिप पैटर्न कैसा रहेगा 5-6 साल के बाद, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आइए इस पे हम थोड़ा बात करते हैं। देखिए, VI की प्रॉब्लम्स क्या है, आइए पहले इसको हम समझते हैं। अगर आप देखें तो VI जबरदस्त तरीके से अपना सब्सक्राइबर बेस को लूज कर रहा है और हर महीने 15-20 लाख सब्सक्राइबर्स को लूज कर रहा है। इनफैक्ट मई जून के का अगर महीने का आप डेटा देखें तो उसमें वो 40-45 लाख सब्सक्राइबर्स हर महीने लूज कर रहा था। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि सब्सक्राइबर बेस गिर रहा है तो भैया आपके रेवेन्यू भी गिरेंगे, तो उनके रेवेन्यू भी गिर रहे हैं। और तीसरा प्रॉब्लम क्या है कि उनके इतने ड्यूज हो गए हैं, गवर्नमेंट के ड्यूज, साथ में उन्होंने जो बाजार से इतना पैसा बॉन्ड्स वगैरह ले रखे हैं, इशू कर रखे हैं, उसका उन्हें इंटरेस्ट देना है, तो इतना ज़्यादा उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है कि उनकी जितनी टोटल सेल होती है उसका 57% वो सिर्फ इंटरेस्ट ही पे कर रहे हैं। तो उनके पास हाथ में इतने पैसे ही नहीं हैं कि वो अपने नेटवर्क को अपग्रेड कर सके, अपने मार्केटिंग इनिशिएटिव्स को ला सके जिससे कि फ्रेश कस्टमर आए। तो इस वजह से कंपनी पिछड़ती ही जा रही है। तो क्या इस पैकेज से उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? देखिए, गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार
अगले 4 साल में उन्हें अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए करीब 66,000 करोड़ रुपीज की जरूरत है। इतना पैसा उन्हें चाहिए अपने बिजनेस को रिकवर करने के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स को रीगेन करने के लिए और बिजनेस को संभालने के लिए। और इसके बाद ऑब्वियसली उन्हें 5G पर मूव करना है, तो 5G इंफ्रास्ट्रक्चर को लाने के लिए उन्हें चाहिए करीब 87,500 करोड़ रुपीज। तो उनको इतना सारा पैसा चाहिए अगले कुछ सालों में, और अगर वो पैसा मान लीजिए नहीं ला पाते हैं तो अगले 4 साल तक ये तो गारंटेड है कि कंपनी चलती रहेगी लेकिन मर मर के चलेगी। तो मॉरेटोरियम की वजह से उनके हाथ में हर साल करीब 16,000 करोड़ रुपीज एक्स्ट्रा आएंगे, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। तो बॉटम लाइन ये है कि आपको इन्वेस्टर ढूंढना पड़ेगा, और इन्वेस्टर इसलिए ढूंढना पड़ेगा क्योंकि प्रोमोटर्स ने बोल दिया है कि भैया हम तो अब पैसे इस कंपनी में नहीं लगाएंगे। इंडियन प्रोमोटर ने भी बोल दिया है, और जो वोडाफोन जो पेरेंट प्रोमोटर है उसने भी बोल दिया है कि हम फ्रेश इक्विटी इसमें नहीं लगाएंगे। तो इस पैकेज के हिसाब से ये तो लगभग तय है कि कंपनी अगले 4 साल तक चलती रहेगी, लेकिन 4 साल के बाद क्या होगा? तो गवर्नमेंट ने VI को ये प्रपोजल दिया है कि अगर 4 साल के बाद आप अपने ड्यूज पूरे नहीं दे पाते हो तो हम आपसे इक्विटी लेकर उस कर्जे को माफ कर देंगे, यानी कि गवर्नमेंट जो है VI की ओनर बन जाएगी। ICICI बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम करेंट 10 रुपए का स्टॉक प्राइस मान के चलें और VI के मार्केट कैप को देखें तो गवर्नमेंट 4 साल के बाद 30-70% की ओनर बन सकती है VI की। तो ये तो एक तरीके से PSU बन जाएगी। लेकिन कंपनी के जो CEO हैं देविंदर ठक्कर, उनका कहना है कि VI टू रिमेन अ प्राइवेट प्लेयर, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये कैसे होगा। तो कहानी सिर्फ इतनी सी है कि VI की प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हुई हैं, वो सिर्फ 4 साल के लिए पोस्टपोन हुई है, और 4 साल के बाद अगर कंपनी को एज अ प्राइवेट ऑपरेटर एग्जिस्ट करना है और सर्वाइव करना है तो उसके 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। पहला ये कि कंपनी को एक बड़ा इन्वेस्टर लेकर आना पड़ेगा जो इस कंपनी में एक बड़ा कैपिटल इन्फ्यूज करे, और दूसरा उसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को 5G पर अपग्रेड करना पड़ेगा, एल्स दिस कंपनी विल ब्लीड टू डेथ स्लोली। सो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहां पे खत्म कर रहा हूं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया, और पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।